हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशो टेस्ट कैसे करते हैं। तो वोल्टेज रेशो टेस्ट का मतलब ये है कि हमारी जो इनपुट सप्लाई थी, इनपुट सप्लाई के हिसाब से हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसी के बिहाफ में जो है, ये उसी के रेस्पेक्ट में जो है वोल्टेज निकाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ट्रांसफार्मर की रेशो जो है वो 11 KV/440 volts है। तो जो है जो हम रेशो टेस्ट करते हैं, रेशो टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि उसको जो है उसी के जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसी के रेशो में ये जो है ये वोल्टेज निकाल रहा है। ठीक है, तो अब वोल्टेज रेशो टेस्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे को करना क्या है, वोल्टेज रेशो टेस्ट जो है ये एक सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो अब चाहे वो स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, बट हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमने जो सप्लाई जो इनपुट सप्लाई जो देनी है ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू, वो जो है वो हमेशा एचवी सप्लाई में देनी है। एचवी में इसलिए, अगर आप एलवी में दे दोगे, ठीक है, तो एलवी में देने पर क्या होगा, ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो जाएगा और आपको जो है शॉक लग जाएगा। इसलिए आपको जो है ये फर्स्ट टाइम जो है अंडर गाइडेंस टेस्ट है ये, तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि अब ये जो मेरे सामने ये है एक सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये तो सिंगल फेज है, बट जो थ्री फेज है मैंने सबके मेथड लिख रखे हैं, आपको जो है बस देखना है और उस तरीके से जो है निकालना है, और उसकी जो कैलकुलेशन है वो भी मैंने निकाल के रख रखी है। ठीक है, तो पहले इस ट्रांसफार्मर को देखते हैं। तो यहां पर ये ट्रांसफार्मर क्या कहता है कि प्राइमरी साइड में जो है 25,000 वोल्ट है और सेकेंडरी में ये निकालेगा 240 वोल्ट। तो अब 25,000 वोल्ट देने पर ये 240 वोल्ट निकालता है। तो यही हमारे को चेक करना है कि ये जो है इसी के रेशो में ही इतने वोल्टेज निकाल रहा है। तो अब ये कैलकुलेशन करते कैसे हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं पहले तो ये समझेंगे, फिर उसके बाद में जो है हम वो वोल्टेज रेशो टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, आप पहले तो आप ये जो है खुद पढ़ लेना कि ये ट्रांसफार्मर का जो है ये वोल्टेज रेशो टेस्ट है, और ये इसको जो है अंडर गाइडेंस ही करो फर्स्ट टाइम। तो और हमारे को क्या करना है, ये थोड़ा सा डायग्राम है इसका कि देखो, ये सिंगल फेज है, ये थ्री फेज है। तो यहाँ पर जो है हमने ऑटो ट्रांसफार्मर से 240 वोल्ट्स दिया, और इस साइड में हमारे को जो है ये वोल्ट मीटर लगाना है, और इसी के यहाँ पर जो है हमारे को मेज़र करना है कि वोल्टेज जो है इसी के रेशो में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो एच वी में कितने थे, 25,000 वोल्ट, सेकेंडरी में कितने थे, 240 वोल्ट। तो जब मैं 240 वोल्ट और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 104.16, तो मतलब कि ये 25,000 देने पर 104.16 गुना कम वोल्टेज निकालता है। ठीक है, तो जब मैं 240 वोल्ट दूंगा तो भी ये कितने कम निकालता है, ये ट्रांसफार्मर जो है 204.16 इतना गुना कम ये वोल्टेज निकालता है। ठीक है, तो जब आपको जो है आप 240 वोल्ट दोगे तो इसमें जो है 2.30 वोल्ट जो है ये आएंगे। ठीक है, तो इनपुट में आपने 240 दिया, ठीक है, एचवी में, और एलवी में आपको कितना मिलेगा, 2.30 वोल्ट। इसी तरीके से आपको जो है स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में करना है। ठीक है, तो ये जैसे ये प्राइमरी एचवी साइड इसका जो है ये डेल्टा है, और इस साइड में जो है ये स्टार है। तो आप क्या करोगे कि जो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थ्री फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर लोगे आप, थ्री फेज से जो है डेल्टा में, जैसे कि आपको मालूम है सिर्फ तीन ही वाइंडिंग रहती हैं, तो तीनों में जो है तीन टर्मिनल उसमें कनेक्ट कर देंगे, और सेकेंडरी में आप जो है मेज़र करोगे। ठीक है, तो मेज़र कैसे करोगे, फेज टू फेज भी मेज़र करोगे, अगर जो है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है तो, और डेल्टा में, तो अगर डेल्टा टू डेल्टा है फिर तो बहुत सिंपल है, आपको जो है सिर्फ जो है थ्री फेज से देना है और फेज टू फेज जो है वो वोल्टेज नापने हैं। तो इसी तरीके से अगर डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने थ्री फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर लगा, यहाँ पर जो है आपने वोल्ट मीटर लगा दोगे दोनों वाइंडिंग के बीच में। ठीक है, तो आपको जो है वो वोल्टेज मिल जाएगा। वो वोल्टेज कितना मिलेगा, वो वोल्टेज जो है अगर ट्रांसफार्मर की इनपुट जो है 11,000 वोल्ट और सेकेंडरी में जो है ये 240 वोल्ट निकालता है, तो अगर आप जो है उसको अर्थ के रेस्पेक्ट में नापोगे तो 240 वोल्ट्स ही मिलेगा, क्योंकि वो जो वो वोल्टेज होते हैं वो फेज टू फेज वोल्टेज होते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकली एक दिन मेज़र करके दिखा दूंगा। और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 11,000 वोल्ट है और सेकेंडरी में 240 वोल्ट्स निकाल रहा,
45.83 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया उसका मतलब 45.83 गुना कम वोल्टेज वो निकालता है। तो जब मैं 240 दूंगा तो ये सेकेंडरी में कितने निकालेगा, 5.23 वोल्ट। तो जब आप फेज टू फेज वोल्टेज नापोगे लाइन टू लाइन, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10.47 वोल्ट। तो इसी तरीके से ये जो है ये मैंने नीचे बता रखा है सिंगल सिंगल फेज के लिए, सिंगल फेज और डेल्टा टू डेल्टा नापोगे तो बहुत ईजी है, सेम कन्फिग्रेशन है, ठीक है। और अगर स्टार टू डेल्टा है तो आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन वोल्टेज नापना है, ठीक है। और अगर डेल्टा टू स्टार है तो आपको क्या मेजर कैसे करना है, फेज टू फेज और लाइन टू न्यूट्रल भी मापना है। जैसे इसमें ये न्यूट्रल निकल गया तो आपको इसके और इसके रिस्पेक्ट में ही नापना है और फेज टू फेज के में भी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कैसे हम इसको मेजर करते हैं। अब जो है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये जो है कितना वोल्टेज आता है, ठीक है। तो हमारे को करना क्या है कि मैं जो है इसके दोनों एच वी टर्मिनल पे जो है 240 वोल्ट दे दूंगा। एक तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है, एक वायर, और एक मैंने लगा दिया ये इसका जो सेकेंडरी का टर्मिनल है, प्राइमरी का सॉरी P2 टर्मिनल है वो ये है। तो ये तो हो गया इसका एच वी के, ठीक है, एच वी मैंने 240 वोल्ट अप्लाई कर दिया। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेकेंडरी में मेज़र कितना करता है। तो मैंने क्या करा अभी एच वी में, ये देखो आप, एक मिनट, ये देखो एच वी में मैंने एक वहाँ पर लगा दिया है। अभी मैं आपको मल्टीमीटर से जो है रीड करके दिखाऊंगा। अब दूसरा टर्मिनल इसका ये है, तो आप मल्टीमीटर में देखो रीडिंग, ये देखो 252 वोल्ट, एक मिनट, ये देखो 253 वोल्ट। अब हमारे को क्या करना है, अब जो है जैसे ये ट्रांसफार्मर आपको मालूम है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, अब हमारे को क्या करना है सेकेंडरी में वोल्टेज मेजर करने हैं। तो सेकेंडरी में वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, अब जो है हम सेकेंडरी में वोल्टेज मेजर करेंगे। तो इसको मैं रख दूंगा ये 200 वोल्ट पर, ठीक है। अब देखना 1.9 वोल्ट, ठीक है। तो ये तो है इसका एक नंबर टेप पर, और हमारे को जो है सभी टेप पर वोल्टेज मेजर करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसको टेप नंबर 2 पर कर दूंगा, ठीक है। अब 2 नंबर टेप पर देखिएगा कितने वोल्टेज आए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो है 2.0 वोल्ट हो गए हैं। तो ये 2 नंबर टेप पे था, अब 3 नंबर टेप पर देखते हैं, ये 3 नंबर टेप आ गया, ये देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक सही से लगा नहीं है, ये देखो 3 नंबर टेप पर कितने वोल्टेज निकालता है, 2.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये 3 नंबर पे, अब जो इसका लास्ट टेप है ये 4 नंबर टेप पर, अब देखते हैं कितने वोल्टेज निकालता है, एक मिनट, 2.3 वोल्ट। तो ये तो था ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशो टेस्ट। इसमें जो है चार ही टेप हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि ये जो है इस तरीके से जो है वोल्टेज रेशो टेस्ट होता है। अब देखो हमारे पर क्या आ रहा था कि 240 वोल्ट देने पर हमारे को मिलने चाहिए थे 2.3 वोल्ट, तो बट जो है वो 250 वोल्ट के आसपास आ रहे थे, और ये जो रीड कर रहा था 1.9 कर रहा था एक नंबर टेप पे। तो ये जो था ये इसका फुल मतलब कि 100% टेप पे था। तो जैसे ही मैंने टेप 4 पर करा तो 4 नंबर टेप पर जो है 2.3 वोल्ट आ गया है। तो इसी तरीके से जो है वोल्टेज रेशो टेस्ट लिया जाता है। ये 4 नंबर टेप पे था, आपने देखा होगा कि जो है वो हमारे को जो वोल्टेज मेजर करना है वो वोल्टेज रेशो टेस्ट में वो हर टेप पे करना है, ठीक है। तो पावर ट्रांसफार्मर के लिए भी जो है इसी तरीके से जो है उसका वोल्टेज रेशो टेस्ट लिया जाता है। और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, आप इससे कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। और अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप दीजिए इस वीडियो को। और जो है आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको मेज़र कैसे करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। पर वो मैं अभी जो बताऊंगा वो मैं आपको पेपर पे एक्सप्लेन करूंगा, और जब प्रैक्टिकल का टाइम होगा तब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ मैं आपको अर्थ रेजिस्टेंस के
पैरामीटर बताऊंगा कि क्या 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 चाहिए उसके लिए और कैसे उसको मेज़र करते हैं। तो वोल्टेज रेशो टेस्ट, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट। सो बाय गाइज नेक्स्ट वीडियो के लिए।